नमस्कार, सिटी न्यूज 18 में आपका स्वागत है। मैं हूं जी क्या। इस वक्त छतरपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। छतरपुर के पठापुर रोड पर विद्युत कर्मचारी और बाटवासियों के बीच विवाद देखा गया। हम आपको बता दें, यहां पर ट्रांसफार्मर लगा है, साथ ही लोगों के घरों के ऊपर से तार निकले हुए हैं, जिस कारण से कई बार यहां पर हादसा घटित हो चुका है। एक बार और ये हादसा घटित हुआ, लेकिन इसमें लोग बाल बाल बच गए। संबंध है, बाटवासियों ने विद्युत कर्मचारियों से कहा कि वह उनके छत से निकले हुए तारों को क्यों शिफ्ट नहीं कर रहे हैं। संबंध में जब विद्युत कर्मचारी ने गोल गोल जवाब दिया तो लोगों से उनका विवाद हो गया। विवाद बढ़ता देख सिटी कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और आपसी समझाइश के आधार पर मामले को शांत करवाएगी। यहाँ जो 20 साल पहले लाइन पड़ी हुई है, यहाँ से निकली है घर से, वहाँ खेतों की लाइन है। वो तो एक घटना ऐसी घटी कल कि वो तारे का एक टूट कर गिर गया पुराना होने के कारण। तो वो बचते बच्चे मरते मरते बच्चे शाम को आए, गाड़ी का समझ लगे, बोले किबाड़ खोलो, गेट खोलने की कोशिश जबरदस्त थी या हम नहीं निकले, ना इन गेट खोले। बच्चों बच्चे थे, कोई था नहीं घर में, तो इनने कहा फिर हमारी डाइट काट दी। मेरा बाजू मकान है, इस मकान में जो है तार पड़ा है, इस मकान में हमारी डाइट काट दी। परेशानी है, लाइट है, तो गेट छोड़े नहीं, छोड़ते गई है, छोड़े के लाने आते हैं। तो हमने कहा कि खम्भों को या तो बढ़ा दो या हम लोगों ने परेशान हो गई है, इसलिए पहले घटना और समस्या हमारे यहाँ है कि इनकी 20 साल पुरानी लाइन है यहाँ खेतों में। जब खेतों की लाइन है वो उससे बार बार टूट जाती है। वो दो तीन घटना भी घट चुकी है। हम चाहते हैं MPV इसको शिफ्ट कर दे कहीं। इसके लिए आपने बहुत पहले हमने MPV के दो तीन बार आवेदन दिए हैं। सांसद महोदय जी से ही बोला था, उन्हें उनसे बोलेंगे और MPV के वरिष्ठ अधिकारियों को जिला अध्यक्ष जी को भी बताएंगे, कलेक्टर साहब से। अगर आपकी वार्ड